इधर दीवार क्यों खाली है? ठीक है ना, 10 लाख चिपका दे, ठीक तरह से चिपका, भाई के रहने चाहिए। और बोला पुलिस कमिश्नर, अरे तो चौकी के अंदर थोड़ी चिपकाने का, आजू बाजू में चिपकाने का, येड़ा अनिश्चित होना मांगता है एक्चुअली। भाई ये तेरे को नहीं बोल क्या है? भाई जिधर जिधर जैसा जैसा बोले ना वैसा पोस्टर चिपकाने का काम चालू है। फैंटास्टिक, खाली पीछे में जाके पोस्टर निकाल लेता हूँ। अरे दूसरों के लगे हुए हैं ना, वो निकाल के अपने लगा लेता हूँ। टाइम क्यों खराब करता है? चलो भाई चलो रे। भाई 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 टेंशन नहीं लेने का भाई। हाँ बोल। अपनी मंडली आ गई लिए। आ गई ना। अपुन ने सबको समझा दिए लाए। रेस में बोलोगे आपके आगे पीछे रह गए। आगे नहीं पीछे, पीछे समझा? हाँ भाई आपके पीछे रहेगा ना। हाँ भाई आप जीतोगे तभी तो अपन लोग का फायदा होगा ना। ये हुई ना बात यार, शाबाश शाबाश। क्यों नहीं होगा ना यार भाई, ये लोग रेस में किसी को आगे निकलने नहीं देंगे। मेरे को छोड़ के समझा ये लोग को? क्या भाई बस क्या, आप तो आगे ही छे ना। अभी कैसे बोले तू? चलो रे चल। पीछे बड़ा शाना आ जा। अरे चिपका ना चिपका। अरे डर क्यों रहा है? अगर कोई ना बोले तो उसके कान के नीचे चिपका चिपका। अबे जल्दी जल्दी चिपका ना, पोस्टर चिपका रहा है कि अनारकली को दीवार में चुन रहा है। जफर भाई मेरे भाई के लिए चक्का सॉइल देना। जकास बोले तो रेसर 4। अरे असली रेसर तो इधर है। ए लाडले रेसर की दुकान बोल। अरे गाय को रेस का प्रेशर लेके अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा है यार। मैं बढ़ाऊं या घटाऊं तेरे को क्या? ए लाडले हाँ तेरा ध्यान से सुन। क्या सुना? कायदे में रहेगा ना तो फायदे में रहेगा। अबे वो तेरी खटारा ऑटो रिक्शा है ना, नॉर्मल चलती है तो हिचकिया लेती है, कभी रेस में दौड़ी ना तो डायरेक्ट डेथ हो जाएगी। तू अपनी डेथ की चिंता कर। ये शाने पहले टायर की सड़ी हुई तू, तेरी जिंदगी का भरोसा नहीं, इधर मेरी ऑटो का एवरेज चेक कर रहा है। ये बिना फोंकू के हान तू अपना फ्यूसी चेक करा, तेरी खोपड़ी का कार्बोरेटर तेरे मुंह के साइलेंसर से बदबू वाला धुआं छोड़ता है, समझा ना? तेरे को फोड़ डालूंगा कसम से, अगर तूने वीरू भाई को बोला ना ये छोटे ने मेरा पानी उतार दिया। अबे एक नहीं तीन तीन तेरे शेर सुनूंगा मैं, इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा। जाने दो। अबे ए पप्पू इधर आ रहा हूं, आ रहा हूं, आ रहा हूं। ए राजू अभी भी मांडवाली कर ले, सॉरी बोल दे क्या? वीरू भाई आप बाबा इसकी चर्बी चढ़ गई, बोल बच्चन बढ़ गए, जरा देख लो आप। तू फालतू का रेस का सोच रहे ले। देख तू अपने बस्ती का है इसलिए तेरे को समझा रहे ले। तू अपने साथ आ जा ना। अरे अपुन रेस जीतेगा ना, तेरा थोड़ा बहुत फायदा करवा देंगे जैसे लोग का करवाया मैंने। वीरू भाई फायदे और नुकसान का धंधा तो आप लोग संभालो, हमें तो रेस का एक ही कायदा मालूम है, जीतो शान से और इज्जत से हारो। और हाँ रही घाटे मुनाफे की बात तो वो तो रेस का नतीजा बता देगा ना। चकली वो 10 लाख का चक लाके दे रहे इसको, इतना और कॉन्फिडेंटल है, जब ये जीतने वाला है तो रेस के झंझट का के लिए चक दे चक दे चक दे चक दे चक दे इसके सर पे टिंकू मिलती है। वो तेरी ऑटो रिक्शा है ना स्टार्ट होती है 1 घंटे के बाद, जब तक अपना रेस ही खलास कर डाले। अरे वीरू भाई के सामने तेरी औकात मतलब ट्रक के सामने साइकिल जैसी है। देख अपुन रिक्शा यूनियन का लीडर है और तू बच्चों का ड्राइवर, तेरे को रेस बच्चों के साथ खेलना चाहिए एक्चुअली। और सुन हम लोग के रेस में हिस्सा लेने के लिए 1000 रुपए का रजिस्ट्रेशन भरना पड़ता है, और ये रजिस्ट्रेशन वीरू भाई तेरे को गिफ्ट में दे रहे है। अगर तू खरीदने को जाएगा ना तेरे को घर के बर्तन बेचने पड़ेंगे, घर के बर्तन बेचेंगे तो खाएगा किस में, पत्ते पे? इतने बड़े आदमी के मुंह से इतनी छोटी बात अच्छी नहीं लगती वीरू भाई। ये रेस बच्चों के ड्राइवर और रिक्शा यूनियन के लीडर को नहीं पहचानती है, और रही छोटे और बड़े आदमी की पहचान तो ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल तो आप ये 1000 रुपए का गिफ्ट अपना अपने पास रखो,
खाली चमचे और खाली बर्तन तो आपके पास है। इनके लिए महीने भर का राशन खरीदो, इनका पेट भरने के काम आएगा। और देख वीरू, वीरू भाई, नेता नेता है, सबकी सुन के लेता है। बोल, सुन। अभी तक इस रेस में भाग लेना सिर्फ मेरा जुनून था, और अब तो इस रेस को जीतना मेरी जिंदगी का मकसद बन गया है। छाती ठोक कर बोल रहा हूँ मैं। भाई इसको ठोक डालो यार। रेस ही इसको ठोक देगी। उधर से अंदर आके सुना तुम्हें। अब वो कैलकुलेटर के बटन 1000 रुपए गिनने को, इतना टाइम जावे तो 10 लाख गिनने को अगले जन्म मिलेगा। तो चल निकल चल। रेस के 10 लाख तो वीरू भाई जीतने वाले है ना। अभी तो ये कौन सा अगला जन्म लेने वाला है। भाई 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 भाई, आपको कुछ लोग मिलने हैं। हाँ भाई। वो बोल रहे हैं हमको रेस में पार्टी का सेट करना चाहते हैं। हाँ भाई। अरे पार्टी का सेट नहीं रे, वो लोग है ना रेस में भाग लेना चाहते, उसको पार्टिसिपेंटल बोलते हैं एक्चुअली। आता नहीं इंग्लिश तेरे को। वही वही वही। अभी रजिस्ट्रेशन का टाइम तो खत्म हो गया है, उनको कल बोला। चल चल भाई। भाई लेकिन वो लोग इधर के नहीं है, बाहर से है। तो उनको बाहर रख। मगर भाई साइकिल दौड़ में हम अपने विद्यालय में प्रथम आए, और देखना रिक्शा दौड़ में भाग लेकर प्रथम आएंगे। ओए बाबे ओ, ओए सानू भी रेस में हिस्सा लेने का बहुत शौक है जी, ब्रेक दबा के। हमको भी रेस में भाग लेना है। इनो भी एज करें। हमें भी रेस में भागा पोनी। अरे तुम लोग महाराष्ट्र के नहीं हो फिर। लेकिन भाई क्या लेकिन, बराबर है भाई, बराबर है, बराबर है। हमें छोड़ा गंगा किनारे वाला इलाहाबादी उत्तर प्रदेश। ओ जी बाबियो, हम तो पंजाब से हैं जी, ठेठ बठिंडा से। वाह हमारे 25-26 ऑटो चलते हैं जी ब्रेक दबा के। और तुम नेपाली हो? नाना साहब जी, हम कलकत्ते से। अरे तू शक्ल से नेपाल का है, भाषा से बंगाल का है, तेरा कड़िया कौन एक्चुअली? साहब जी हमारा मम्मी कलकत्ते से, तो हमारा बाप उसका घर में चौकीदारी करता था, फिर दोनों को प्यार हो गया, मतलब ठुकरी और रसगुल्ला एक हो गया, हम पैदा हो गया। हाँ इसके लिए हमारा नाम बंकिम चौन थापा। अच्छा रिमिक्स आइटम है ये। हूँ गुजराती। भरूच में दो ही चीज फेमस छे, एक तो सिंह ने दूसरी दिलीप सिंह पटेल। मारो नाम छे। भरूच में कोई को भी पूछो ऑटो यूनियन का प्रेसिडेंट कौन छे तो आपका नाम लेगा नथी, बनारसी भाई छेड़ा का नाम बताएगा। हूँ तो ऑटो यूनियन का वाइस प्रेसिडेंट छूं। हैदराबाद से। अरे ऐसा नहीं चलेगा, आप लोग इसमें एक्चुअली बराबर है। ना मत कहना बाबियो, देखो आपके दरबार में हम वट्टी सी आस्त छोटी सी गुजारिश लेकर आए हैं जी, अपनी इस वट्टी सी रेस में हमें छोटी सी एंट्री दे दो ब्रेक दबा के। एक मिनट साहब जी, हम ऑटो चलाने में बहुत बहादुर है। अरे तुम ऐसे भी बहादुर हो। ना साहब जी, हम जब अकेला ऑटो चलाता ना तब भी फर्स्ट आता है। ऑटो चला करके हम कलकत्ता और नेपाल का नाम रोशन करेगा साहब जी। मगर एक्चुअली ओ जी बाबियो, एक्चुअली नु छड्डो ते नोटा नु फड्डो ते मेरी 25 ऑटो दी एंट्री रजिस्टर करो जी ब्रेक दबा के।
भाई ये कभी रेस नहीं जीत सकता, तू कितने स्पीड ब्रेकर है। कौन बोला पूरा है, कौन बोला भाग नहीं ले सकता है? आप लोग बिल्कुल पार्टी से बैटल कर सकते हो। अरे आप लोग देश की एकता हो, अखंडता को जिंदा रखते हो, इसको अंदर रखते हो। चल एक्चुअली अंदर चल। बाबा पूछो। बाबा रेमो भाई आपसे बात करना चाहते हैं। क्या बात करना चाहते हैं? हम तुम्हारी मदद करने आए हैं। क्या मदद करोगे तुम लोग? रेस के लिए। रेस में क्या मदद करोगे मेरी? हम जानते हैं राजू कि तुम्हारी ये रानी रेस नहीं जीत पाएगी। हाँ। क्या मतलब? देखो तुम्हारी ये रानी बहुत ओल्ड मॉडल है, ज्यादा स्पीड नहीं पकड़ पाएगी। हम सब यहाँ आए हैं ताकि हम और तुम एक साथ मिलकर इस रेस को जीतने की कोशिश करेंगे। हाँ। बोल चुके, अभी आज्ञा हो तो मैं कुछ बोलूं। देखो मैं नहीं चाहता मेरे चक्कर में तुम्हारी पढ़ाई और पैसे का नुकसान हो। और आज तक मैंने तुम्हारे माँ बाप से होली या दीपावली बख्शीश तक नहीं मांगी, तो तुमसे क्या मदद लूंगा मैं? मगर राजू नहीं, कुछ नहीं सुनना मुझे। और तुम लोग अगर वाकई मेरी मदद करना चाहते हो तो दूर रहो मुझसे और मेरी रानी से। और मुझसे भी, मुझे वीरू को मेरी पहचान बतानी है। क्या यार, तुम लोग तो कुछ बोलते ही नहीं। बाबा को मनाना। अब क्या करें? क्या है राजू, तो हमारी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं। डोंट वरी, मेरे पास एक आइडिया है। क्या? ऐसे ही कॉन्फिडेंट लोना मांगता है आदमी को। क्या बात है भाई, अभी तो नक्की चाप को रेस में कोई नहीं हरा सकता। बस खाली ऑटो का टायर नहीं पंचर होना चाहिए। क्यों होगा टायर पंचर? किल से भाई। क्यों होगा किल? रास्ते पर किल क्यों होगा बोल? क्योंकि भाई किल पे रास्ता नहीं हो सकता ना भाई। एक्चुअली नहीं, इंटेलेक्चुअली। अरे भाई जीनियस है यार। अपने को सिर्फ इतना सोचने का है, अगर मैं क्या बोलता हूँ, अगर अगर कोई अपने से आगे जाने की कोशिश किया ना तो टैंटरन, कोई टेंशन नहीं भाई। अपन कांच से लाइट मारकर उसकी आग चौंधा डालेंगे। चौंधा? मगर भाई ऐसा रिक्शे में किसी को बिठाना तो नियम के बाहर है। कौन बोला? यही बोला जिसे आपने चाटा मारा। अरे बाबा कौन बोला नियम के बारे में? भाई इसने बोला भाई। अरे मेरा मतलब है किस गधे ने नियम बनाया? आपने। तेरे ऊपर पूरा भरोसा है, ये रेस तो मुझे जीतना ही है। ये रेस जीतने के बाद देखना मैं तुझे सचमुच की रानी बना दूंगा, खाली नाम की रानी नहीं। जीनियस ब्रो, लेकिन ये सब 8 दिन में कैसे होगा? Just watch. Type 2 stroke, cooling type, forced air cool, displacement 145.45 cc, max power 7 bhp, 5.15 kW at 5000 rpm, max torque 12.1 mm, ignition type CDI, transmission type 4, forward 1 reverse, clutch type Z, multi-disc type. Oh! Wow! हमारी रानी भी इतनी तेज दौड़ेगी? इससे भी तेज। हो गया कमाल का पिकअप ले रही हो आज। ये देख के चला ना। भैया बढ़िया बढ़िया फूल, सुंदर सुंदर। आज अपनी रानी सजाना है।
नहीं नहीं अच्छे दो ना, अच्छे से बनाओ, मतलब बना के दो। आइए वाले अभी तक इस रेस में भाग लेना सिर्फ मेरा जुनून था और अब से इस रेस को जीतना मेरी जिंदगी का मकसद बन गया है। ये छाती ठोक कर बोल रहा हूं मैं। जीतने से पहले ही हार गया रे। क्या बोला रे, क्या बोला रे तू, क्या बोला रे तू? रेस आ गया, तू वही है ना जिसकी मां मरी थी उस दिन, आधी रात को बिठा के लेके गया था उसको डरा मैं, याद है कि नहीं? और तुम वो सीढ़ी में बैठ कर रो रहा था जब आके तुझे हंसा रहा था, वो सब बहुत आता है वो, और तुम जब आई थी ना इधर ब्याह के, तो राजू बोला था मेरे को अकेले मत समझना अपने आप को, ये पूरी बस्ती हमारा परिवार है, सुख दुख के साथी है हमारे, सुख दुख के साथी। हंसो, हंसो, ताली मार के हंसो। नहीं चाहिए तुम्हारा साथ, मैं है अपने राजू के लिए, जाओ। राजू रानी ठीक हो जाएगी, राजू राजू इसको इसको मैं ठीक करूंगी, हम है ना, हम ठीक करेंगे इसको। राजू तुझे विश्वास नहीं है ना मुझ पर, बुरा भला कहती हूँ ना मैं तेरी रानी को, तू इसे इतना प्यार जो करता है, चल जाती हूँ मैं, तू देखना इतना सुंदर सजाऊंगी मैं अपनी सौत को कि दुनिया देखेगी, समझा ना तू, तू रेस में जाएगा, रेस जीतेगा रे तू।